हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल जेडी एजुकेशन में। आज हम क्लास 8 का एक्सरसाइज नंबर 2C के सवाल लगाएंगे, जिसमें घनमूल वर्गमूल को भाग विससे यानी भाग विससे वर्गमूल ज्ञात करना है। आप लोग ध्यान से देखिए इस वीडियो को और साथ साथ सीखिए, क्योंकि भाग विससे अगर आप वर्गमूल निकाल लेंगे तो आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, वो चाहे जितनी भी बड़ी हो या दशमलव की हो। ठीक है, देखिए पहला सवाल इसमें दिया हुआ है। सबसे पहला नंबर, यह संख्या आपकी दी हुई है 44.89। अब इसको भाग विससे लगाना है, क्या करना है इसका, इधर लिख लेते हैं, इधर 44.89 इस तरह से पहले बनाते हैं कॉलम। उसके बाद बाएं तरफ से दो दो अंक का जोड़ा बनाना है, बाएं यानी इधर से बाएं तरफ आना है तो दो अंक का ये और दो अंक का जोड़ा ये बना। उसके बाद जब पहले जोड़े को हल करना है, सॉल्व करना है, तो हमको ऐसी संख्या का वर्ग लेना है जो 44 से ज़्यादा ना जाए, यानी 44 से ज़्यादा ना हो। तो हम देखते हैं, अब दो का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49। अब देखिए यहाँ 49 ज़्यादा आ गया, यानी 7 का वर्ग ज़्यादा आ गया, तो हमको 7 से पहले जो संख्या आई थी 6 संख्या लेनी है। और 6 कितनी बार लिखना है देखना है, यहाँ पर पहले यहाँ लिखते हैं, फिर यहाँ और उसके बाद यहाँ, इस तरह लिखने के बाद ये एक लाइन खींच दीजिए। अब क्या करना है, इस 6 का गुणा करके यहाँ लिखना है, 6 और 6 का, तो 6 6 36, इस तरह से 36 लिख दिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, इधर की संख्या जोड़ लेते हैं, 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो गया। और इधर क्या करना है, जैसे घटाने में आप भाग में करते हैं डिवाइड में, इधर घटाना है, तो ये 4 है, 6 नहीं घटेगा, 1 यहाँ से कैरी लेंगे, 14 हो जाएगा, 14 से 6 गायब कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ 3 में से 3 गए तो यहाँ कुछ नहीं बचा। अब अगले चरण में आपको ध्यान ये देना है कि आप जोड़े में ही दो दो संख्या उतरती है, हमेशा दो संख्या उतारनी, ठीक, तो ये जोड़ा उतारना है यहाँ पर। अब ये 889 हो गया, अब 889 और यहाँ पर 12, अब हमको अनुमान लगाना है कि ये किस संख्या से कट सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ 12 लेते हैं और इधर 88, इससे हमको अनुमान लग जाएगा कि कितनी बार में, 12 7 84 कितना होता है, 12 7 84 और 12 8 96, यानी 8 बार में जाता होता है, तो 12 7 84, यहाँ पर 7 लिखेंगे, ठीक है, 7 बार भाग करना है, 7 बार में 88 कटेगा तो 7 लेना है, और यहाँ भी 7 लिखना है और यहाँ भी 7 लिखना है, यानी जिस संख्या से भाग करना होता है उसको 3 स्थान पर 1 2 3 जगह लिखा, ठीक, जैसे यहाँ पर 6 लिखा था पहले 3 जगह, उसी तरह 7 को भी मैंने 3 जगह 3 बार लिखा। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करके इससे यहाँ लिखना है, तो 7 7 49, 4 कह दिया है, फिर 7 2 14, 14 में 4 जोड़े कितने हो गए, 18 के 8, 1 हासिल आया, और फिर 7 1 7 1 हासिल 8। इस प्रकार से यहाँ पर अब कोई संख्या शेष नहीं बची, इसका मतलब ये जो ऊपर संख्या आती है ये इसका क्या होगी, वर्ग होगी, यानी इसका वर्गमूल कितना होगा, 67, इसका आंसर 67 होगा। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब अगला सवाल लेते हैं, अगले सवाल से समझते हैं। यहाँ पर हम अब ये 5 नंबर वाला सवाल ले रहे हैं, ठीक, इससे हम आपको बताएंगे, बाकी सवाल आपको स्वयं कर लेने हैं, ठीक। देखिए अब ये 5वां नंबर सवाल लिख के लगाने जा रहे हैं, पहले का बी नंबर है, पहले का बी, पहले का बी नंबर, उसमें दिया है 49 37 28 और 4, इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, वो भी भाग विससे निकालना है।
ठीक है। अभी देखिए इसमें क्या करते हैं, पहले संख्या लिख लेते हैं इधर 49, 37, 284। उसके बाद ये कॉलम बना लेंगे इस तरह से। अब हमको इधर से दाएं तरफ से बाएं तरफ जोड़ा बनाना है दो दो संख्या का, ये 1, 2, 3। तीसरी संख्या का जोड़ा नहीं बना, सिंगल संख्या है तो हम पहले सिंगल संख्या को ही डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर हमको ऐसी संख्या लेना है जिसका वर्ग 4 हो या 4 से कम हो, यानी ज़्यादा ना होना चाहिए। तो 2 का वर्ग क्या होता है 4, यानी 2 वो संख्या है जो इस 4 का वर्ग हो सकती है। कितनी जगह लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, 1, 2, 3 बार 2 को लिखते हैं इस तरह से। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर गुणा करना है, 2 दूना 4 यहाँ पर गुणा करके लिख देना है। अब इधर तो जोड़ना है और इधर क्या करना है, घटाना है। 4 से 4 गया, कुछ नहीं बचा। अब अगले चरण में क्या करेंगे, हम 2 ही संख्या उतारेंगे, 1 जोड़ा उतारेंगे, 1 जोड़ा, तो ये 93 उतरा, 93। अब 93 को भाग करना है, इस 4 इधर है, ऐसी संख्या लेना है कि इससे ज़्यादा ना होने पाए, तो हम 4 से अनुमान लगाते हैं, यहाँ 4 है यहाँ 9 है, तो 4 दूनी 8 यानी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, यानी जिस संख्या से हम बात कर रहे हैं उसको कितनी जगह लिखा, 3 जगह लिखा। ये ही आपको ध्यान देना है विशेष। अब इसके बाद गुणा करते हैं, 2 दूना 4 और फिर 2 चौको 8, इसका गुणा करके यहाँ लिखे, उसके बाद इधर जोड़ देना है, 4 हो गया और ये 4, और ये क्या होगा, घट जाएगा, 13 में से 4 गए 9, और यहाँ कितना बचा, 8, 8 में से 8 गए, कुछ नहीं। फिर ऊपर से 2 ही संख्या उतरेंगी, ये ध्यान रखना, 1 ही जोड़ा उतरेगा, 2 अंक लाने हैं ऊपर से, तो 72, यानी कितना हो गया, 972। अब ये संख्या देखना किससे कटेगी, अब ये चूक 972, इधर 4 लेना इधर 9, तो इसका मतलब 2 बार में ये जा सकता है और नहीं भी, ठीक है। तो देखते हैं 2 बार में जाता कि नहीं जाता है, ये 2 चौको यहाँ पे 2, उसके बाद 2 दूना 4, 2 चौको 8 और 2 चौको 8, यानी 2 बार में जा सकता है ये। अब यहाँ भी 2 लग दिया, इसके बाद लिखना है जोड़ के इधर 4 और 4 और 4, और इधर क्या करना है, घटाना है, तो 12 में से 4 गए 8, यहाँ बचे 6, 1 हासिल लिया 16, 16 में से 8 गए 8, 88 बचा। अब फिर क्या करेंगे, ऊपर से हमको ये 2 संख्या उतारनी, ठीक है, 2 संख्या उतारते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितनी बार जा सकता है इतनी बड़ी संख्या का, जैसे आप भाग में अनुमान लगाते हैं, बड़े भाग में एक संख्या और एक संख्या लेकर दोनों साइड की, तो 4 दूनी 8 यानी 2 बार में ये कट सकता है, तो 2 लिखेंगे यहाँ, फिर 2 यहाँ और ये 2 यहाँ, यानी 3 बार लिखना पड़ता है। तो गुणा करते हैं, अब इसका गुणा करके लिखना है, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2 चौको 8, अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब ये संख्या इसका वर्गमूल होगी। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2, 2 और 2 और 2, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर समझ गए। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो फिर से आप हमारे वीडियो को देखिए और आपको भाग करना आ जाएगा, वर्गमूल निकालना आ जाएगा, इससे आप बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हैं, कोई भी संख्या हो, चाहे दशमलव की हो या बड़ी से बड़ी हो, वर्गमूल निकल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी क्या करना है, भाग से वर्गमूल निकालना है, बस इसमें संख्या क्या दी हुई है, भिन्न में दी हुई है, परिमेय संख्याएं दी हैं, ठीक, ये भिन्नात्मक संख्या इनको कह सकते हैं क्योंकि सब धनात्मक हैं, तो इसमें हमको अंश व हर दोनों का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, वो भी भाग भी से, ठीक है। देखिए पहले नंबर देखिए, 361/625, सबसे पहले 361 का निकालेंगे और फिर 625 का, 361 का निकालते हैं इस तरह से,
और 625 का इधर। भाग विषय निकालना है तो सबसे पहले हम इधर क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे यानी जोड़े बनाएंगे और इधर भी जोड़ा बनाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है तीन, तीन सिंगल संख्या बच रही है। अब हमको देखना है किस संख्या का वर्ग लें कि तीन से ज़्यादा ना हो। तो एक का वर्ग एक, दो का वर्ग चार, चार तो ज़्यादा हो गया तो हम क्या लेंगे, वन लेंगे। ठीक है, उसको वो कितनी बार लिखते हैं, तीन बार लिखते हैं। अभी हमने बताया है पिछले सवाल में, हमने यही बताया कि जो भी संख्या लेते हैं उसको तीन बार लिखते हैं, एक दो तीन, और उसके बाद इसका गुणा करके यहाँ लिखते हैं एक कम एक, और इधर क्या करते हैं जोड़ देते हैं और इधर घटा देंगे। और फिर क्या करना है, दो संख्याएं ऊपर से उतार लेनी है, तीन से एक गया दो बचा, इधर 61। अब हमको देखना है कि कौन सी संख्या लें कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो यहाँ 26 दिया हुआ है, यहाँ दो दिया हुआ है, तो दो नेम 18 और दो दाम 20, तो हम यहाँ पर 9 बार ज़्यादा से ज़्यादा ले जा सकते हैं, 9 बार। तो फिर 9 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, 9 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, तीन बार लिखना ही लिखना है। उसके बाद इसका गुणा करके यहाँ लिखते हैं। ठीक है, इसका यानी गुणा हो रहा है एक प्रकार से, आप लिख सकते हैं 9 नेम 81, 8 कैरी आया, 9 दूनी 18, 18 में 8 जोड़े तो 26। ये देखिए यहाँ पूरी संख्या क्या हुई, डिवाइड हो गई। तो ऊपर तो आपका क्या निकला, 19। आप 625 का निकालते हैं, ये 5 और इधर 6, एक संख्या सिंगल बनी 6। अब यहाँ पर जोड़ अपना वर्ग लेना है, एक का वर्ग एक, दो का वर्ग 4 और तीन का वर्ग 9, तीन ज़्यादा हो गया तो हमको क्या लेना, दो ही लेना है। तो दो और दो और दो, यानी तीन बार तो लिखने लिखना है। तो उसके बाद गुणा करके लिखना है, दो दूना 4 और इधर क्या कर देना, जोड़ देना यहाँ पर। ये गुणा करके यहाँ लिख रहे हैं, ये ध्यान देना है, ये नीचे नहीं लिखते, ये गुणा ही यहाँ लिखी जा रही। ठीक है, ये समझाने के लिए हमने गुणक चिन्ह लगा दिया है, इसका गुणा करके यहाँ लिखा, इसका गुणा करके यहाँ लिखा। अब क्या करते हैं, इसमें घटाते हैं, उसके बाद दो संख्या उतार लेते हैं, एक जोड़ा उतार लेते हैं। अब ये 5 चौको 20, इधर 22 है इधर 4 है, तो 4 × 5 = 20, यानी ये कितनी बार, 5 बार जा सकता है। तो 5 और 5 और 5 इस तरह से। ठीक, अब इसका गुणा करके इधर लिखना है। ठीक, तो 5 × 25 और 5 चौको 20 और 2 = 22, इस तरह से गुणा हो गया और यहाँ कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब ये 25 का वर्ग है और ये 19 का, तो 19/25 इसका आंसर हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए, अगला सवाल देखिए। इसमें अब देखिए यहां पर हम तीसरा नंबर लगाएंगे, तीसरे का हल 21/51/169। अब ये आपका मिश्र भिन्न में दी हुई संख्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोलते हैं इसको। तो पहले क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे फिर 51 जोड़ देंगे, जो संख्या आएगी उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गुणा करते हैं, 169 × 21, इसको अगर गुणा करेंगे तो 2 × 18, 2 × 6 = 12 और 2 × 1 = 2 = 3, फिर 9 × 8 = 14 = 15, 8 × 6 = 14 ही होगा, 3 × 4 = 5 और 3, इतना गुणा करने पे आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, ये 51 जोड़ देंगे, इसमें प्लस कर देंगे, 9 × 1 = 10, फिर 10 और उसके बाद 6 और उसके बाद 3, 3600 कितना बना, 3600/169 ये संख्या बनी। ठीक, अब यहाँ
इसका वर्गमूल निकालेंगे और 169 का निकालेंगे। तो पहले 3600 का वर्गमूल निकालते हैं। दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाना है, दो संख्या ये दो ये यानी 36। अब ऐसी संख्या का वर्ग लेना है जो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 6 6 36, 6 6। और कितनी जगह लिखना है? 3 जगह लिखना है, 6 6 36। इस तरह से इधर जोड़ेंगे 6 6 12, और इधर क्या बच रहा? कुछ नहीं बच रहा, 2 0 उतार लिए। अब चूँकि 2 0 उतरे हैं, अब ये 0 क्या होगा? 0 बार में जाएगा, तो इसका 1 0 यहाँ लिख देते हैं, तो क्या हो जाए? 60। ये 60 का वर्ग है। और दूसरी संख्या 169, इसका निकालना है भाग इससे। इधर जोड़े बनाते हैं, फिर एक एक एकम एक 69। इस प्रकार से उसके बाद क्या करना है? यहाँ पर 69 है, यहाँ 2 है, तो 2 3 6 यानी 3 बार जा सकता है। 3 3 9 3 2 6, इस तरह से। तो कितना हुआ? 13 निकल आया। तो 60/13, ये तो हमने इसका वर्गमूल निकाल लिया, लेकिन इसका आंसर हमको मिक्स फ्रैक्शन में ही देना होगा, यानी मिश्रित भिन्न में ही देना है, ठीक है? तो इसको भाग करेंगे हम 13 60 का, तो 13 6 52 होता है, तो 4 सही में हो गया, 4 सही। जो आपका भाग फल आता है उसको हम इधर सही में लिखते हैं, इसको सही बोलते हैं। और उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है, जो शेष बचता है, वो इसका क्या होता है? आंसर हो जाता है। तो कितने बच गए इसमें? 6 8 बच गए, 13 6 52, 8 बचे ना 60 में, उसके बाद 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसको आप लोगों ने समझ लिया होगा, और इसी तरह से ये सवाल आपको स्वयं लगाने हैं, ठीक है? लगा लेना इसी तरह से, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला सवाल दिया हुआ है, सवाल नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 49 31 में जोड़ दें तो योग फल पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी वो संख्या आपको ज्ञात करनी है कि इसमें जोड़ देने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? इसका भाग विषय हल निकालते हैं। 49 31, इसका हम पहले क्या करते हैं? भाग विषय हल करते हैं यहाँ पर, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए क्या दो संख्या दी हैं, एक जोड़ा ये और ये जोड़ा, ठीक, दो जोड़े बन रहे हैं। 49 पहली संख्या 49 है, इसका मतलब 7 का वर्ग 49 होता है, तो 7 और 7 और 7 इस तरह से लिखेंगे, ठीक, क्लियर है? अब क्या करना है? इसका गुणा करके यहाँ लिखना है 7 7 49। इधर जोड़ते कितना बचता है? 14, और इधर 31। अब यहाँ पर 31 बच रहा है, ठीक है? अब देखिए, अब हमको एक संख्या अगर हमको जोड़ना है तो क्या करना है? एक संख्या अधिक लेना पड़ेगा। 7 के बाद यहाँ पर 0 आता है, तो 0 हम ले नहीं सकते, हमको एक आगे की लेना है, तो क्या लेंगे यहाँ पर? 1 लेंगे, और यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ भी 1, 3 जगह 1 लिखने के बाद गुणा किया जाएगा, तो 1 4 1 ये संख्या बची, ठीक। अब क्या करना है? आपको घटा देना है। अब जब घटाएंगे जो संख्या बचेगी वो भी इसका इसमें जोड़ी जाएगी, ठीक, उसी को जोड़ेंगे। यानी एक जैसे 0 बार जाना चाहिए, 7 के बाद 0 के बाद एक आता है, तो हम एक क्या लेंगे? ज़्यादा ले लेंगे, 71 बार ले लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर एक ज़्यादा ले लेना है, उसके बाद घटा देना है। 1 से 0, 1 से गया 1 0,
चार से गए तीन, कितना बचा एक, और ये बचा फिर एक, यानी कितना आ रहा 110 जो यहां पर संख्या बचती है आपकी, माइनस का 110 बच रहा है, इसी को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो इसमें अगर हम 110 जोड़ दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। देखिए यहां पर 9 10 और 4 1 5, ठीक, और ये किसका वर्ग है 71 का। इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा 110। वो छोटी छोटी संख्या क्या है 110 होगी, जो कि हमारा पूर्ण वर्ग है। ये हम माइनस की कम से ज्यादा घटाए थे, माइनस की आई थी, ये ही जोड़ी जाएगी इसमें, ठीक है, इसको जोड़ देंगे और हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18,265 से घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग हो जाए। वहां पर हमने निकाला था जोड़ने पर, यहां पर घटाने पर निकालना है, यानी यहां पर एक एक्स्ट्रा बार नहीं ले जाना, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, सवाल लिखते हैं 18,265, ऐसी संख्या निकालनी है कि इसमें माइनस करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पहले हम भाग विससे देखते हैं वो संख्या निकलती क्या है। जब भाग विससे लगाते हैं पहले तो हमको जोड़ा बनाना है दो दो संख्या का, और फिर एक बच जाता है यहाँ पर। उसके बाद वर्ग एक का एक ही होता है, और 3 बार 1 2 3 बार लिखा, इसका गुणा करके यहाँ लिख दिया, ठीक। अब क्या करना है, ये घट जाएगा और इधर जोड़ देते हैं, और यहाँ से दो संख्याएं फिर लिख लेते हैं, एक जोड़ा उतार लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 चौको 8, यानी 4 बार नहीं जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम ये एक ही बार जा सकता है, 2 3 3 बार जा सकता है, 4 बार नहीं जाएगा लेकिन 3 बार जाएगा। 3 बार लिखा, उसके बाद 3 3 9 और 3 2 6, इधर क्या करना है जोड़ देना है और इधर घटा देना है। तो 2 और 9 नहीं घटेगा, तो 12 12 में से 9 गए 3, यहाँ 7 में से 6 गए 1। अब फिर कितना उतारना है, 65 उतारना है, 65। अब देखते कितनी बार भाग होगा, 2 6 12, 6 बार जा सकता है, लेकिन और भी संख्या साथ में है, तो हम 5 बार ले जाएंगे, 5 5 3 बार लिखा, 5 5 फिर 5 25 5 6 30, इसमें 2 जोड़ दिए तो हो गए 32, फिर 5 2 10 और 3 13, इस प्रकार से ये संख्या बन गई। अब इधर घटाते हैं, कितना बचा 80, इसका मतलब 80 जो है क्या होगा, वो छोटी छोटी संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग 80 नहीं बचा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 0 और 4 1 मिनट, यहाँ पर हमने जोड़ दिया था, सॉरी, फिर से देखिए 5 से 5 गए 0 और 6 से 2 गए 4 बचा सिर्फ, यानी 40 जो आपका शेष फल आता है वही संख्या इसमें घटाई जाएगी। इस तरह से अगर आप घटा देंगे तो ये संख्या 6 से 4 गए फिर 2, यानी 135 का ये पूर्ण वर्ग होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, 40 40 वो संख्या है जो घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाती है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या बताइए। 5 अंक की संख्या बतानी है, वो पूर्ण वर्ग हो और वो सबसे बड़ी हो, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, यानी 99,999। ये 5 अंक की बड़ी संख्या होगी, ठीक है। अब क्या करना है, इसका भाग विससे हल करेंगे पहले, और जो हमारा शेष बचेगा घटाने पर उसी को इसमें घटा देना है, बस
तो पहले हम जोड़ा बनाते हैं दो दो का, दो दो अंकों का। यहाँ पर तीन, एक 99, एक 99, एक 9, सिंगल संख्या बच गई। तो इसका वर्ग बनाएगा 3, यानी 3 का ये वर्ग है। 3 3 का 9, यानी 3 को हम कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। अभी हमने बताया जो भी संख्या ली जाती है उसको 3 बार लिखा जाता है। और फिर क्या करना है, इसका गुणा करके यहाँ लिखना है 3 3 का 9। और इधर जोड़ लेना है, और इधर क्या करना है, घटा देना, फिर ऊपर से एक जोड़ा उतारते, यानी 99। अब इसके बाद क्या करना है, फिर भाग करना है, इधर से भाग करना है, और ऐसी संख्या लेना है कि इसे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो 6 एकम 6, यानी एक बार, और एक कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। और 61, यानी 61 एकम 61 आएगा। फिर ये 2 और 6, उसके बाद इसको घटाते हैं, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 3, और फिर 2 9 उतारेंगे यहाँ पर, इस तरह से। अब क्या करना है, इसको देखना है कितनी बार जा सकता है। 6 6 36, 6 6 36, 6 बार में जा सकता है, लगाते हैं। अगर ज़्यादा जा रहा तो फिर पीछे बैक हो जाएंगे, ठीक। तो 6 6 36, यानी 6 3 जगह लिखना है, 6 6 36 के 6 6 2 12 और 3 15। उसके बाद 6 6 36 और 1 37, ये पूरा पूरा चला गया। खैर अब क्या करना है, इधर जोड़ देते हैं, 6 और 6 12 3 और 6, इधर घटाना है, 9 में से 6 गए कितने बचे? 3। और यहाँ 5 में से 9 में से 5 गए 4, और इधर 1, यानी 143 आपका शेष बच रहा है। और 143 ही क्या करना है, इधर घटा देना है। घटाने पर जो संख्या बनेगी वही संख्या आपकी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो देखते हैं, यहाँ पर 9 3 घटेगा, 6 बचेगा, फिर 5, फिर यहाँ पर 8, फिर यानी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99,856 होगी, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, अब यहाँ पर अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 6 नंबर का, 6 62,500, यानी 625 में 2 0 है, का गुणनखंड विद तथा भाग विद से वर्गमूल ज्ञात करना है। उसके बाद दोनों आंसरों की उत्तरों की आपको तुलना करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सवाल गुणनखंड विद से लगाते हैं, इसको गुणनखंड विद से इधर लिखना है, गुणनखंड विद, गुणनखंड विद 625, इसका जब गुणनखंड बनाएंगे हम, तो इसको सीधा हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करते हैं, 2 से पहले 5 से करते हैं, 2 से करना ही पड़ेगा, 2 से करते हैं, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 5 10, इस प्रकार से फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 5 10, यहाँ पर 1 और 2 मिला के 12 हो गया, 2 6 12, फिर 2 2 4 और 2 5 10। अब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, अब देखता किससे किससे कटनी देखते हैं, 6 2 8, 6 14 और 14 और 6 20, यानी 5 से ही कटेगी संख्या ये, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 2 10, 5 25, फिर 5 से काटते हैं, 5 6 30, 5 2 10 और 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो 125, उसके बाद फिर 25 और फिर 5 और उसके बाद। अब क्या करना है, गुणनखंड विद में क्या करते हैं, हमने बताया था कि जोड़ा बनाना है दो दो संख्या का इस तरह से, और इसमें से एक एक संख्या लेकर उनका मल्टीप्लाई गुणा करना है उनको। तो 2 इसमें से 5, इसमें से 1 5 और इसमें से 1 5 लेकर गुणा करेंगे, तो 5 2 10, 5 2 10, 5 50 और 5 कितना हो जाएगा, 250।
250 ये आपका निकलेगा, ठीक। यानी ये संख्या 250 का वर्ग है। अब भाग विच से लगाना है, भाग विच से इधर लगा दे, देखिए यहाँ पर भाग विध, भाग विध में 625, इसमें क्या करते हैं पहले दो दो अंक का जोड़ा बनाते हैं, इस तरह से दो दो अंक का जोड़ा बनाएंगे और ये एक अंक सिंगल बच गया। तो यहाँ पर हमको क्या लेना, दो दूना चार, क्योंकि तीन तरीका नौ, तीन का वर्ग छः से ज़्यादा हो जाएगा, तो दो लेते हैं यहाँ पर, दो दूना चार, और दो कितनी जगह लिखा है, एक दो तीन जगह लिखना है, इसका गुणा करके इससे यहाँ लिखना है, दो दूना चार। इधर क्या करना है, जोड़ देना है और इधर घटा के लिखना है, यानी कि दो बचेगा, उसके बाद दो संख्या ऊपर से उतारनी है, तो ये 25 उतरा। आप देखिए यहाँ पर देखना है ये कितनी बार डिवाइड हो सकता है, तो इधर 4 इधर 22, यानी 4 × 5 = 20, 5 बार में ही भाग हो सकता है, 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 बार लेना है, तो 5 यहाँ लिखेंगे, तो 5 यहाँ भी लिखेंगे, उसके बाद 5 यहाँ भी लिखेंगे, तीन जगह 5 लिखते हैं और इधर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं इस तरह से, 5 × 5 = 10 और 4 × 1 = 5, और इधर क्या करना है, गुणा करके लिखना है, 5 × 25, 5 × 20 और 2 × 22, तो इधर जब घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, इसके बाद क्या करना, 2 जीरो उतारने हैं, और 2 जीरो उतारेंगे तो 2 जीरो का मतलब 1 जीरो लिखना है यहाँ पर, 0 बार में जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब इसका वर्गमूल क्या निकला, 250 ही निकला भाग विच से भी। तो आप तुलना करने पर क्या पाते हैं, ये भाग विच से 250 है, गुणनखंड विच से भी 250 है, यानी ये बराबर है, ठीक। तुलना करने पर हम पाते हैं कि ये दोनों मान दोनों विच से बराबर निकल रहे हैं, अतः ये सत्य है। इस प्रकार से एक्सरसाइज आपकी समाप्त हुई, और आप इसको लगाएं, जो सवाल हमने बताए हैं उनको भी लगाएं, और हमारे वीडियो को देखकर सब देखते रहें, वह लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।